नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, ईयरली एग्जाम 2023-24 कक्षा पाँचवीं के लिए इंग्लिश का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो होगा आपका आपकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आपको दोस्तों बेल आइकन है वो भी दबा लेना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में ए प्लस ग्रेड बनानी है, ठीक है, ए प्लस ग्रेड बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों जो भी पेपर मैं आपको बताऊं आपको उनको अच्छे से याद कर लेना है, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। मैं आपको दो दो तीन तीन सेट बताऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट के, उन्हीं में से आपका 100% पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन ये स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करूँगा मैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। PDF फाइल है वो भी वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको डिफरेंट साउंड वाला जो क्वेश्चन है वो टिक मार्क करना है। अब यहाँ पे चार आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो यहाँ पे नेवर, क्लियर, देयर और हेयर, ये चार ऑप्शन है। अब आपको पढ़ते हुए इनका क्या करना है, हिंदी में लिख लेना है, इंग्लिश में लिख लेना है, जैसा आपको उचित लगे वैसा करना है। बस आपको ये बताना है कि इनमें से जो अलग साउंड है वो किस शब्द का है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा तो मैंने लिखा नेवर, ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा क्लीवर, ठीक है, फिर मैंने लिखा देयर, अब यहाँ पे मैंने लिखा हेयर, ठीक है, हेयर, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को पहचानना है कि कौन सा शब्द है वो अलग है, ठीक है, हेयर। तो यहाँ पे मेरा शब्द ऑप्शन नंबर डी है वो अलग आ रहा है, तो मेरा डी आंसर हो जाएगा। चूज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ऑनर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से पर्यायवाची होता है, क्या होता है, पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर मतलब इसके समान ही, ठीक है, ऑनर जो आपको दिया गया है इसका समान ही, कौन सा शब्द ऐसा है जो इसके समान है, इसके समान ही वो बोला जा रहा है। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। सैड का मतलब क्या होता है, दुखी। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से आदरणीय बोलते हैं। लाइव का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल लाइव में चल रहा है जो, ठीक है, वर्तमान स्थान, ठीक है। अब यहाँ पे हॉनर का मतलब होता है रेस्पेक्टिव, और रेस्पेक्टिव आपको यहाँ पे दिया गया, तो ये मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आवर टीचर हेल्प डैश डैश ए लॉट, ठीक है, हमारे जो अध्यापक है वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प अस ए लॉट। अस का मतलब क्या हो गया, हमारी, ठीक है, जैसे वी होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फिर अस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो विद्यार्थी है जो टीचर्स है वो हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अस आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई विल गो टू आगरा बाय ट्रेन डैश डैश बस, मैं जो आगरा, सॉरी, मैं हूँ ना जो आगरा जाऊँगा, किससे, या तो बस से या फिर ट्रेन से, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, और का चिन्ह क्यों मैंने लगाया है, देखिए, बाय ट्रेन और बस, और का मतलब होता है या तो मैं ट्रेन से जाऊँगा या मैं बस से जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, विल यूज़ किया गया है, विल का मतलब होता है जाऊँगा। नेक्स्ट पर्सन देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ मेक ए करेक्ट सेंटेंस विथ ए हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको जो ये तीन चार वर्ड दिए गए हैं इनमें से चूज करते हुए आपको यहाँ पे भरना है। जैसा कि देखिए, लॉन्ग अगे एगो ए ग्रुप ऑफ रेड्स लिव्ड डैश डैश इन ए फॉरेस्ट, यानी कि बहुत समय पहले की बात है कि एक जो चूहों का ग्रुप है वो जंगल में रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे वो किस प्रकार से रहता था, प्रेजेंटली, हैप्पीली या हॉल्स, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, हैप्पीली, वह खुशी खुशी वहाँ पे रहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है मेरा, चिल्ड्रन वर डैश डैश देयर, चिल्ड्रन है तो वेयर का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन वर प्रेजेंट देयर, यानी कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या थे, प्रेजेंट है। फिल इन द ब्लैंक इन प्रॉपर अल्फ़ाबेट एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको यहाँ पे इन इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। इसमें बीच बीच में आपको खालिस्तान दे दिया जाएगा, मतलब मान लीजिए कि कोई भी मिलिंग है, जैसे कि मैं बात करूँ मेरी मोहित किसी का नाम, MO, फिर मैंने खालिस्तान कर दिया, फिर I, फिर मैंने T कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। इस प्रकार से खालिस्तान छोड़ दिए जाएंगे जिनको आपको भरना होगा ब्लैंक। अब यहाँ पे देखिए, PE डैश डैश PLE, ठीक है, ये आपको छोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PEO PLE, पीपल का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, लोग। तो इस प्रकार से आपको कुछ मिलेंगे, याद करनी होगी। अगला जो दिख रहा है, ANJ-Y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन्जॉय हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन्जॉय, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैलेस PL, और यहाँ पे लास्ट वाली जो मिलेंगे इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, पैलेस। पैलेस मतलब स्थान, किसी स्थान के बारे में बात की गई है। मेक न्यू वर्ड द एडिंग सब फुल और प्रीफिक्स IM,
मतलब आपको इस प्रकार से ये जो वर्ड दिख रहे हैं इनके आगे देखिए आपको एक तो ये और या ये, इन दोनों को ऐड करते हुए एक नया वर्ड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले जो वर्ड लगते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबल दिया है तो इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इम, ये वाला वर्ड मैं इसमें भर दूंगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। होप जो दिया गया है वो होप की, इसके इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, होपफुल आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपको क्या वर्ड देना है, FUL, होपफुल। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आइटम आपको दिया जाएगा, इस पर देखिए आपको जो टेंस वगैरह है उसके आधार पे करना होता है। वी रियली डैश डैश ग्रेवेज इनटू ए डस्टबिन, तो पुट्स और पुट दिया गया है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आप, पुट। ठीक है, यानी कि हमें हमेशा जो कचरा है वो कचरे पात्र में डालना चाहिए। द काउज आर डैश डैश नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे द काउज आर, यानी कि इससे हमें पहले क्या पता पड़ रहा है कि प्लुरल है, काउज मतलब गायें, आर लग गया, आर किसके साथ लगता है, जो प्लुरल होता है। अब यहाँ पे नाउ यानी कि अब, तो यहाँ पे क्या बढ़ना है आपको सेकंड में, यहाँ पे बढ़ना है ग्रेजिंग। ठीक है, देखिए पहले बोला है आर, आर किस में आता है, इज, एम और आर, ये किस में आता है, कंटिन्यू टेंस जो होता है मेरा। ठीक है, पर जो मेरा प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में होता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब किस में लगती है, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ग्रासिंग, मतलब गायें अभी क्या कर रही है, चर रही है। ठीक है, चारा चर रही है। डैश डैश आई डैश डैश ए फ्लावर यस्टरडे टू ऑफर टू गॉड, ठीक है। यस्टरडे का मतलब क्या हो गया, बीता हुआ दिन, मतलब कल की बात की जा रही है जो जा चुका है। अब इस प्रकार से हम कोई भी बीते हुए दिन की बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म हमारी सेकंड वाली है, ठीक है, जिसमें आपका प्लक्ड दिया गया है। ठीक है, इसमें ईडी नहीं लग रहा तो ये सेकंड फॉर्म नहीं है, इसमें लग रहा है तो ये मेरी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वी सेल डैश डैश हैंड इन हैंड टुमारो, टुमारो का मतलब क्या हो गया, आने वाला कल। ठीक है, आने वाले कल के लिए मेरे क्या आ जाएगा, वाक आ जाएगा, वाकड नहीं आएगा, ईडी लगा हुआ है, मतलब ये तो पास्ट की बात हो रही है, जबकि टुमारो मतलब आने वाला दिन, कल की बात कर रहा है आने वाला, तो आने वाले में ये आ जाएगा मेरा सिंगुलर वाला। इसके बाद देखिए अरेंज जंपिंग लेटर, इस प्रकार के लेटर आपको जंपिंग मिलेंगे जिनको आपको अरेंज करना है, जैसे कि ये हो गया मेरा SONG, ठीक है, सॉन्ग हो जाएगा, क्लास का CLASS क्लास हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट का मेरा COMPLETE, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा, COMP LETE कंप्लीट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट वर्ड, ये भी आपको करना है। डू नॉट टॉक टू मोबाइल वाइल ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें मोबाइल पे बात करना ही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से पढ़ना है, जैसे आप थोड़ा सा समझ जाएंगे अपने आप इसको आंसर में कर सकते हैं। ठीक है, अभी शुड नॉट प्ले ऑन रोड और रूफ, तो हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, रोड, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है। वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग इज ए गुड हैबिट, यानी कि खाना खाने से पहले अगर अपन हाथ धो रहे हैं तो ये मेरी क्या है, गुड हैबिट है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला आ जाएगा, बेड मतलब गंदी थोड़ी है, अच्छी आदत है। वी शुड रिमूव ऑल द डैश डैश ऑन वॉल, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें क्या भरेंगे अपन, इसमें भरेंगे अपन केबॉब्स। ठीक है, ये वाला भर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर आपको फिल इन द ब्लैंक वाला सेक्शन दिया गया है, इसमें दोस्तों आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं इन्हीं में से आपको पढ़ना होगा, इस प्रकार से बस आपको यहाँ पे एक राइटिंग दे दिया जाएगा जिसको पढ़ना है, समझना है और ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए रीडिंग सेक्शन आ जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद कुछ पर्सन होंगे जिनका आंसर आपको देना है, तो यहाँ पे पैसेज दोस्तों आपका चेंज हो सकता है मे बी। ठीक है, इसलिए पैसेज आप खुद से पढ़ना सीखे। ठीक है, अगर मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि नेम द टू ब्रदर मेंशन हेयर, यानी इसमें दो भाइयों का नाम मेंशन किया गया, क्या है नाम उनका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम एंड लक्ष्मण, ठीक है, ये मैंने आंसर बता दिया, लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझना है, खुद को करना है। पैसेज आपकी बुक में भी होंगे, आपके पास पासबुक होगी उसमें होंगे, तो आप खुद से एक्सरसाइज करें उनको छाँटने की, जो क्वेश्चन है उनको, ताकि आप आराम से एग्ज़ाम में कर सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको अपोजिट मीनिंग पूछा जा रहा है, गो का मतलब क्या होता है, जाना, और कम का मतलब क्या होता है, आना, हो गया अपोजिट, ए विल, एक दिया गया आपको ए विल। ठीक है, और दूसरा आपको इसके अपोजिट है वो भरना होगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अपोजिट हो गया, ठीक है, विलोम सब या फिर पर्यायवाची सिनोम नाम्स वगैरह, ये आपको पूछे जाएंगे जो मेरे को भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, ये आपको गुड भरना है। इसके बाद देखिए एक और पैसेज आपको दिया जाएगा जो पढ़ना है और वही क्वेश्चनों के आंसर देना है, तो
तो इसकी एक्सरसाइज आप खुद करें, मैं चाहता हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको एक पैसेज है वो सोल्व करना बता दूंगा कैसे करते हैं। इसमें भी आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे जो कि अपोजिट या सिनोनिम्स हो सकते हैं। सैड का मतलब क्या बोला था, दुखी होना, अभी अभी हमने बात करी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हैप्पी, ठीक है। इसके बाद देखिए लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खो देना, और इस फाउंड का मतलब क्या होता है, पाना, ठीक है। तो आपको फाउंड भर देना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट ए प्लुरल फॉर्म, ठीक है। प्लुरल का मतलब क्या हो गया, बहुवचन आपको बनाने हैं, जैसे कि ग्रेन दिया गया है, ठीक है। तो ग्रेन का बहुवचन आप क्या बनाएंगे, इसके आगे एस लगा देंगे, ग्रेन्स हो जाएगा। पिगविन दिया गया है तो पिगविन्स आपने एस लगा देना है। विंग दिया गया तो विंग के आगे आपने एस लगा देना है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, प्लुरल फॉर्म में बन जाएंगे। इस प्रकार के आएंगे, ईजी आएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद देखिए एक एप्लीकेशन राइटिंग है, वो आपसे पूछा जाएगा। एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, ठीक है। वहाँ से आप इसको अच्छे से देख लीजिए, दो तीन एप्लीकेशन है जो आपको याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राइट एन लेटर योर, एक तो लेटर पूछा जा रहा है, या तो आपको लेटर लिखना होगा, या एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको क्या करना है, योर हेड मास्टर टू फ्रीशिप, यानी कि आपको जो फीस है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपको कर लेना है, ठीक है, अलग से आपको मिल जाएगा ये। अंतिम देखिए आपको एक स्टोरी दी जाएगी, स्टोरी का मतलब आपको कहानी दी जाएगी, ठीक है। उस कहानी में कुछ आपको छोड़े जाएंगे पॉइंट जिनको आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द एलिफेंट एंड द टेलर, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे ऊपर, इन्हीं में से आपको भरना होता है इनको पढ़ते हुए, तो ये आपको थोड़ी बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश का पेपर देख लिया है सेटअप, जो कि आपके एग्ज़ाम की रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप याद करें, इस प्रकार के मेथड पे याद करें, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। इसके अलावा मैथ का और पर्यावरण का, ठीक है, ये पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, कक्षा 5 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।